Hi, good morning students of 12th class for the biology chapter number 1, reproduction in organism. Okay, this is the first chapter and जो मैंने previous video डाली थी, अब उससे आगे का हम part डालते हैं. अब हम बात कर रहे हैं इसमें sexual reproduction की, ठीक है. और ये जो आप ये video देख रहे हैं, मेरे channel के through देख रहे हैं, जिसका नाम है Biology Magic Guru, उसको like कीजिए, subscribe कीजिए और share दीजिए. It means share इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी आपके कुछ रिश्तेदार या फ्रेंड्स होंगे जो बेचारे घर पर बैठे होंगे स्टूडेंट्स, और उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा होगा शायद, और अगर ऑनलाइन स्टडी चलती रही तो ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है. ओके, आगे की बात शुरू करते हैं. आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको ये बताया कि क्या है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स आर नीडेड इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल एंड देयर गैमेट्स आर यूज्ड. ओके, अब इसके लिए टॉपिक आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या इवेंट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इवेंट का मतलब होता है एक तरीके से स्टेप्स, कि वे क्या क्या स्टेप्स लेंगे, लिए जाएंगे. अब देखिए, स्टेप्स में पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो भी स्टेजेस होंगी. दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं. तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या होता है. अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की. अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है या उसके इवेंट्स क्या क्या हैं. प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स द बिकॉज व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म अटेन एन मैच्योरिटी, यानी जब वो मैच्योरिटी पर आते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन, सो दे प्रिपेयर सम थिंग्स लाइक एज देयर एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेंस, दीज हार्मोन्स डेवलप देयर बॉडीज. ओके, अब उसके दो स्टेप्स हैं, एक तो क्या गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर. अब गैमेटोजेनेसिस क्या चीज़ है, देखिए जब हम बात करते हैं कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन, तो उसमें हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है, यानी कि गैमेट्स का बनना. सीधी सी बात है कि व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, ठीक, हमने इसकी बात की. अब हम उसके बाद करते हैं कि भाई गैमेट कितने टाइप्स के होते हैं. गैमेट होते हैं टू टाइप्स के, मेल और फीमेल गैमेट्स. ओके, लेकिन अब इनकी कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जस्ट लाइक एज अ होमोथैलिक. अब होमोथैलिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कुछ एल्गे ऐसे होते हैं या कुछ फंगी जिनके मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स इतने सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली कि आप उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं. ओके, सो ड्यू टू दैट बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर, सो दे आर कॉल्ड द होमोथैलिक. उसके अलावा बाकी के जितने भी होते हैं एंजियोस्पर्म एक्सेट्रा, इनमें जब अलग अलग होते हैं, या फिर ह्यूमन की भी अगर हम बात करें तो इनकी मेल और फीमेल गैमेट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई ईजली, दैट इज़ कॉल्ड द हेट्रोथैलिक. इसको हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं. उसके बाद आता है हमारा कि भाई मोनोशियस, एक ये भी टाइप है कि मोनोशियस क्या है या होमोथैलिक, ठीक है. अब मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मोनो एक लगता है लेकिन नहीं, ध्यान रखना है, मोनोशियस का मतलब होता है मीन्स बोथ आर डिफरेंट, मीन्स एक ही प्लांट में जब दोनों अलग अलग मिलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, उनके गैमेट्स, तो हम इसको बोलते हैं हमारा मोनोशियस. ये कुछ फंगी में भी होता है और कुछ प्लांट्स में भी ऐसा होता है. कुछ होते हैं डायोशियस, अब उसको हम डायोशियस क्यों कहते हैं, मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल. पहले वाले को हमने मोनोशियस बोला, जिसे हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं. इट मीन्स दोनों तरीके की इसमें गैमेट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा मोनोशियस है, सॉरी डायोशियस है, जो बाइसेक्सुअल है, इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल है, सॉरी एक मिनट कन्फ्यूज़ ना हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ. देखिए, मोनोशियस जो हमारा ऐसा होता है, यानी बाइसेक्सुअल, ठीक, दोनों तरीके गैमेट्स होते हैं. एक होता है हमारा डायोशियस, नाम डाई है लेकिन ये यूनिसेक्सुअल होता है. ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारा प्लांट आ जाता है तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, तो देखिए क्या क्या कहते हैं उनको हम, स्टीमिनेट और पिस्टिलेट. अब स्टीमिनेट क्यों कह रहे हैं, यानी जो स्टैमिन बनाते हैं, जो स्टैमिन होते हैं उन्हें हम स्टीमिनेट बोलते हैं, यानी मेल, और जो पिस्टिलेट यानी पिस्टिल बोलते हैं, ये हमारे होते हैं फीमेल, फीमेल फ्लावर में, ठीक है. अब एक और वर्ड आता, अब हम ये तो प्लांट में ले लिया, एनिमल में क्या ले रहे हैं. देखिए, ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें दोनों ही पार्ट्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हम उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, लाइक एज लीच, अर्थवॉर्म, ठीक है, इनमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. अब
हर्माफ्रोडाइट के अलावा बाकी जो होते हैं हमारे कैसे हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। अब जैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि गैमेट के फॉर्मेशन में इसमें सेल डिवीजन होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब सेल डिवीजन क्या करता है, उसमें मियोसिस होगा, और वो मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। अब जैसे ही हमारा सेल डिवीजन होता है, पहले होगा डिवीजन, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, इट मीन जब सेल डिवाइड होती है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगती हैं, एंड आफ्टर दैट द डिफरेंशिएशन स्टेप्स टू गिव हेल्प टू फॉर्म द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको बनाने में डिफरेंशिएशन ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारी, तो हम जो बात कर रहे थे वो इस चीज़ की कर रहे थे कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन से हमारे ऑर्गन्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। अब फिर उसमें आता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये दो वर्ड आते हैं, ध्यान रखें। जो हमारे सिंगल मेल और फीमेल हैं, यानी कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें एक स्पर्म होता है, ठीक है, जो मोटाइल होता है और लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है, ये काफ़ी एक्टिव होता है। तो ये हमारा जो है ये हैप्लॉइड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, सॉरी वो डिप्लॉइड ही हैं, एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड, क्योंकि कई जगह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हैप्लॉइड हैं, कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, हम लोग हैप्लॉइड नहीं हैं, हम लोग डिप्लॉइड हैं, ठीक है। कुछ पहला प्लांट्स ऐसे हैं जो हैप्लॉइड हैं, तो उनमें क्या होता है कि उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या डिफरेंशिएशन आ गया। अब जिस समय पर, क्योंकि जब ये डिप्लॉइड डिप्लॉइड मिलते हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसीलिए रिडक्शन डिवीजन होता है, ये हमने आपको 11th में पढ़ाया है कि मियोसिस जब होगा तो वो रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, इसीलिए उसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ये गैमेट्स बन जाते हैं, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन में मैंने अभी आपको बताया कि एक तो अगर मान लीजिए स्पर्म बन रहे हैं, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मान लीजिए ओवम बन रहा है तो मींस द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड द ओजेनेसिस, इसे हम ओजेनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट जो हैं हमारे होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन कहलाता है ये, गैमेटोजेनेसिस। इसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बाद जो चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन, या हम केवल डेफिनेशन से काम चलाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, किसमें, ग्रुप में। ह्यूमन का ग्रुप है तो ह्यूमन में 46 होते हैं, मीन्स 23 पेयर्स, कम या ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट टाइप के डिसीज हो जाते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, जिसको हम इसी 12th क्लास में आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिक्स नंबर कितने हैं, 46 मीन्स 23 पेयर्स, लेकिन जो अलग अलग और ऑर्गेनिज्म है, जैसे डॉग है, काओ है, बफेलो है, प्लांट्स हैं, एप्पल है, इन सब में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई में कितने होते हैं, हाउस फ्लाई में होते हैं 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 6 पेयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मान लीजिए एप्पल है, जैसे एप्पल 34 होते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक हमारी एक फर्न होती है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम, इसमें कितने होते हैं, इसमें आई थिंक होते हैं 1260, यस 1260 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। और ये ध्यान रखें कि जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम मियोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स, क्योंकि डबल है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसे गैमेट मदर सेल भी हम बोलते हैं, मियोसाइट का मतलब ये होता है। तो ये आप लोगों को इतना तो 100%, ठीक है, इतना तो आप लोगों को 100% कन्फर्म होना चाहिए। अब ये आपका एक स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया गैमेटोजेनेसिस की, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। नाउ द सेकंड स्टेप इज द गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा। लाइक ए सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट, तो प्लांट का हमने स्टेमिनेट और पिस्टिलेट बताया था। तो स्टेमिन के पार्ट्स क्या क्या हैं, जो हमारा एंथर है, यानी फिलामेंट और एंथर, एंथर ऊपर का पार्ट होता है, तो जो हमारा एंथर है उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। हमने सपोज एक पी यानी मटर का पौधा ले लिया, मटर प्लांट ले लिया, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स गोज टू द स्टिग्मा, उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ही प्लांट में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो ईजिली कर लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि गैमेट ट्रांसफ़र। अब जब गैमेट ट्रांसफ़र होता है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा मान लीजिए
और जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये हमारा पिस्टिलेट कहलाता है। ठीक है, तो स्टिग्मा पर आता है क्या हमारा पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनती है, और हम आगे के चैप्टर्स में भी इसको बताएंगे कि वो जो हमारा पॉलन ग्रेन से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बड़ी होती है, वो काफ़ी नरिश करती है जनरेटिव सेल को, उसी में अंदर टू सेल्स बनती हैं, फिर वो स्टिग्मा पर आता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और फिर नीचे आकर के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जिसे हम सिनगैमेटी बोलते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन में क्या कहना चाह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कहीं सिनगैमी आ रहा है या फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स द सेम थिंग। अब हम एनिमल्स की सपोज बात करें तो एनिमल्स में या कुछ प्लांट्स में भी ऐसा होता है, इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, फर्म हैं, इसमें या कुछ एल्गे हैं, इसमें प्लांट के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जब वो अपने गैमेट्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, उसमें मीडियम क्या बनता है, वाटर। यस, अब ऐसे ही कुछ हमारे प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी हैं जिसमें मीडियम वाटर को लेना पड़ता है। यानी कि अब पहले हम ये समझें कि जो फर्टिलाइजेशन है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, जैसे लाइक एज अ फ्रॉग, फ्रॉग में या फिशेज हैं, एम्फीबियंस मोस्टली, इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, इट मींस मेल और फीमेल, क्योंकि मेल का साइज जो होता है फ्रॉग का छोटा होता है और फीमेल का बड़ा होता है। व्हेन दे डू द मीटिंग एंड आफ्टर दैट देयर स्पर्म्स एंड ओवम कम्स इन द वाटर एंड रिलीज इन टू द वाटर एंड दे मिक्स टुगेदर, फर्टिलाइजेशन उनका वहाँ होता है वाटर में। And after that slowly and slowly they change into the small larva and after the metamorphosis process के through ये एक क्या बन जाते हैं, छोटा सा frog बन जाता है। ओके, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, लाइक एज अ बिग एनिमल cow, buffalo etc. So they no need to external outside water medium, no. क्यों, क्योंकि इसमें जब मेटिंग होती है तो sperms goes into the body, body के inside में जाता है, ऐसे ही human females में भी होता है, and due to that कि उनके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेबी फुल तरीके से डेवलप होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, पहले जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिले उस प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन वो जो बना उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द जाइगॉट। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो जाइगॉट होता है उससे पहले जो ओवम है उसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है और वो स्टेशनरी होता है, यानी मूव ज़्यादा नहीं करता, बहुत कम। और जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, वो काफ़ी तेज़ वर्क करता है और वो अपना जो आउटसाइड पार्ट है वो उसके अंदर पहुंचा देता है, यानी जो बाहर की उसकी लेयर है जोना पहले सीधा उसको होल करके अंदर पहुंचाता है, बाकी उसके टेल बाहर रह जाती है। तो इस तरीके से क्या बनता है, जाइगॉट, जाइगॉट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, जाइगॉट, जाइगॉट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीधा सीधा फीटस, एंड आफ्टर दैट द बेबी कम्स, ये चीज़ हो जाती है। ओके, तो अब इसके बाद जब हमारा हो जाता है, एक वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस, ये तो हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस भी एक तरीके का क्या है, फॉर्म करने की, जैसे मान लीजिए बेबी फॉर्म करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन ये हम नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली होता, लाइक एस टर्कीज़ हैं, लिजर्ड है, मींस इनके अंदर जो फीमेल्स हैं इनकी उसी में ही ऑटोमेटिकली इनसाइड एक डेवलपमेंट होता है ओवम के अंदर, और विदाउट फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखें विदाउट फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल्स बॉडी फीमेल गैमेट्स डेवलप, डिफ्रेंशिएट एंड मेक द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस, यानी ये वर्जिन बर्थ कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कि भाई हमने ये बता दिया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह हो गया, फिर हम बात करते हैं कि भाई जो एग लेइंग एनिमल हैं और कुछ गिविंग बर्थ हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कॉक ले लीजिए, हैन वगैरह, ये सब क्या होती हैं, अंडे देती हैं, जो भी एग लेइंग एनिमल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस, और जो वीवी पैरस हैं गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक एज द काओ, बफेलो एंड द ह्यूमन ऑल्सो इन कम इन टर्म, इस टर्म में हम लोग आ गए। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स की भी, कि जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि जब डेवलपमेंट हो गया प्लांट में और जो
ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल है और उसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या बनता है, सीड बनता है, यानी ओव्यूल चेंज इनटू द सीड और ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो अब सीड के ऊपर कैसा होता है, कैलकेरियस मतलब काफ़ी हार्ड एक शेल होता है, ठीक है, स्पोरोजिनेसिस के थ्रू और बनता है। अब उसके बाद जो एग भी होता है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, जो एग होता है वो काफ़ी कैलकेरियस शेल होता है, काफ़ी हार्ड होता है ताकि वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे इन चीज़ों को बताते हैं। अब हम प्लांट की भी बात कर रहे हैं, प्लांट में सपोज जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा बाद में क्या बनेगा, ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट एंड उसके अंदर जो ओव्यूल चेंज इनटू द सीड, सीड बन जाता है। तो अब जो सीड है उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो फ्रूट है जिसे हम खाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो ध्यान रखेंगे पेरिकार्प, मिडकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, पेरिकार्प बीच वाली, मीजो या मिडकार्प, मीजोकार्प और सबसे अंदर का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। ये हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का एंड होता है, इसको आप ध्यान से सुनिए, कोई चीज़ अगर मिस हो रही है उसको क्वेश्चन आप टाइप करके दे दीजिए, मैंने अगर कुछ कहीं भी मुझे भी बोलने में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ तो मैंने उसको दोबारा रिपीट किया है। अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप उसे प्लीज़ दोबारा से क्वेश्चन डाल करके पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड आंसर्स आप पूछिए, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी स्टडी जैसे हम चला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप उसको देखें, ना ज़्यादा पीछे जाएं ना ज़्यादा आगे जाएं। जो हम वीडियोस डाल रहे हैं, जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, उसको नोट डाउन करते रहिए, उससे नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे क्वेश्चन के रूप में टाइप कीजिए और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हमारा ग्रुप पूरे स्टूडेंट्स का है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो किसी एक को हमें लेकर नहीं, हमें सबको लेकर चलना है, ठीक है। Thank you, have a nice day.